मांगों को लेकर सचिवालय पहुंच गई। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी मांगों की सफाई कर्मचारियों को जिनको ये कई बार ये सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। हालांकि अब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई। वहीं अब यह सभी कर्मचारी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है यदि इनकी मांगें तो ये पूरी तरह से अपने काम का बर्खास्त कर देंगे। नीचे नीचे। आज जो है सचिवालय कूच की जा रही है भाई। सबसे पहले मैं आपको सबसे नमस्कार करना चाहता हूं और पत्रकार बंधुओं को। मेरा नाम कुलदीप है, मैं नगर पालिका मुनिक्रेति से। हम कई बार आ चुके हैं यहां पर सचिवालय कूच करने के लिए और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये, और कोई भी निर्णय नहीं लेती है आज सरकार, तो हमें सब कुछ भी करना पड़े और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे। सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी। कोई भी पूरी पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया जाएगा जो कि सरकार अपने आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी। क्यों, कई बार हमने सरकार को ज्ञापन कई बार दे दिए हैं हमने, जो कि उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। हमारा सड़क और जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं सारा कुछ हम गंद से सड़ा देंगे। पूरी बहुत बुरी स्थिति ऐसी कर देंगे, जो कोरोना था ना कोरोना, वो कोरोना से भी ज़्यादा हम इतनी महामारी ला देंगे शहर के अंदर कि इनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें। अपन दे चुके हैं, सरकार की तरफ से क्या मिलता है आश्वासन? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, किसी तरीके अभी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। कई बार उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं राणा कोटी, उन्होंने हमें पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि 21 तारीख को हम आपकी वार्ता कराएंगे, ऐसा कोई भी वार्ता उन्होंने नहीं कराई हमारी, जिससे कोई भी हमें जो आश्वासन मिल पाता, किसी तरीके का कोई भी हमें वो नहीं आश्वासन सरकार है। सबसे पहले मांग हमारी है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करिए। दूसरी मांग है हमारी जमीनों पे, जो सरकारी जमीनों पे हमारे लोग रह रहे हैं उनकी मालकाना हक दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, और जो हमारी मांग है रियाल कमेटी जो है उसको लागू किया जाए। जो इनकी गठित हुई थी 2 वर्ष पहले ये कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर ललित मोहन रियाल कमेटी गठित हुई थी, उसको जो है बिल्कुल लागू किया जाए।